दलित शोषण मुक्ति मंच के बैनर तले शिमला में हुई रैली के दौरान लगे हिंदू धर्म से आजादी के नारे पर अब बवाल हो गया है। हिंदू जागरण मंच के महामंत्री कमल गौतम ने शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हिंदू धर्म से आजादी मांगने वाले लोगों पर कार्यवाही होनी चाहिए, इसके लिए वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और मानहानि का दावा करेंगे। ठियोग के विधायक राकेश सिंघा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे हिंदू समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं और लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अब जो माफीनामा का ढोंग रचा जा रहा है वो सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति और यहाँ की जो देव परंपरा है उसको अपमानित करने का काम जो ठियोग के विधायक राकेश सिंघा और मीरसुख नाम के एक कांग्रेसी पार्षद ने, जो रोडू से है मूलतः, उन्होंने 20 तारीख को जो यहाँ एक अमर्यादित प्रदर्शन किया और हिंदू सनातन समाज की आस्थाओं पर कुठाराघात करते हुए जिस प्रकार के नारे वहां लगाए गए उसके विरोध में हिंदू जागरण मंच ने आज ये प्रेस वार्ता की है। और हम बड़ा स्पष्ट कह देना चाहेंगे राजनीतिक क्षेत्र के लोगों से कि वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस प्रकार के घिनौने कृत्य करने से बचें, अन्यथा हिंदू जागरण मंच इन विषयों के ऊपर कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और कठोर कार्रवाई करने के लिए हिंदू जागरण मंच बाध्य होगा। देखिए, राकेश सिंघा जो है वो बहुत ही शातिर व्यक्ति है और जो वामपंथ का जहर उन्होंने जीवन भर पिया है उसको उगलने का वो काम कर रहे हैं। आज जब उनकी जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक रही है और हिंदू समाज आज जागरूक होकर के इन विषयों का विरोध कर रहा है तो माफीनामे का वो दिखावा कर रहे हैं। ये जो अपराध उन्होंने किया है ये अक्षम्य है। नहीं, वो कोर्ट में याचिका दर्ज करेंगे, कोई बात नहीं, वो कोर्ट देखेगा उस विषय को। और हिंदू जागरण मंच भी इस विषय के ऊपर कोर्ट में अभी अपनी लीगल टीम के साथ हम बात कर रहे हैं, जो भी लीगली हमें हमारी लीगल टीम सुझाएगी उस तरह से हम इसमें लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं।